ये पूरा धक्का मार के इसको ऊपर तक छोड़ रहा है, पूरा स्नो बन चुका है। उसकी जगह है नींबू चिकन जी है, क्लिक अप देने चोखू क्लियर देखा है, ये नींबू चिकन जी है जो दाने रहते वो भी आ रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद ये शुगर केन का जूस है, इसका भी स्नो बन चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये बटर मिल्क है, हमने आपको जो बटर मिल्क बोला था इसका भी स्नो आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, ये बटर मिल्क है। उसके बाद ये नेचुरल फ्रेश ऑरेंज मौसम्बी का जूस है, मौसम्बी का, इसका भी स्नो बन चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लास्ट में हमने नेचुरल अल्फांसो मैंगो का जूस डाला हुआ है, ये भी स्नो बन के तैयार हुआ है अभी हम इसके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली हम पूरी क्रेटेबल वीडियो बना रहे हैं, आपको पूरी डिटेल्स मिले प्रोडक्ट के बारे में, पूरी जानकारी मिले क्या क्या प्रोडक्ट यूज होता है, कितने का प्रोडक्ट गिरता है, कितना मशीन बिजली खाता है, एक प्रोडक्ट में से मशीन में से क्या निकाल सकते हो और मशीन के अंदर आप क्या क्या प्रोडक्ट गुजार सकते हो दोस्तों। तो ये वीडियो के अंदर हम टोटली डिटेल्स के साथ में वीडियो बना रहे दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखिए दोस्तों, तभी आपको इसकी ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा नॉलेज, ज्यादा जानकारी मिलेगी दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, ये हमारी स्नो मेकिंग मशीन है, स्लश है, स्नो है, इसको स्लश मशीन बोलते हैं, स्नो मेकिंग मशीन बोलते हैं, आइस मेकिंग मशीन बोलते हैं, जो एकदम स्नो टाइप का मटेरियल इसके अंदर से निकालती है। हमारे पास तीन अलग अलग मॉडल्स है, तो तीनों तीन का वीडियो हम एक ही साथ में बना रहे दोस्तों, जिसमें एक सिंगल फ्लेवर मशीन है, एक डबल फ्लेवर मशीन है और एक तीन फ्लेवर मशीन है। टोटल तीन अलग अलग मॉडल्स है इसके अंदर और तीनों तीन हम मशीन चालू करने वाले, प्रोडक्ट एड करके प्रोडक्ट डाल के यहाँ पे हमने प्रोडक्ट भी तैयार टोटल छह प्रोडक्ट डालने, इसलिए हमने एक दो तीन चार पांच छह आइटम डाली है। अभी ये मशीन के अंदर से आप क्या क्या प्रोडक्ट को गुजार सकते हो, तो सबसे पहले आप इसके अंदर से सिंथेटिक फ्लेवर, जैसे हमने ऑरेंज बना के रखा हुआ इस टाइप का पाउडर का फ्लेवर बना सकते हो ऑरेंज का, ये सिंथेटिक फ्लेवर ये भी डाल सकते हो। नींबू चिकन जी नेचुरल आइटम, नेचुरल नींबू से बनाया गया नींबू चिकन जी है, ये भी आप इसके अंदर गुजार सकते हो और एकदम स्नो बना सकते हो। मैंगो का नेचुरल जूस बनाया हमने दोस्तों, आप देख सकते हैं अल्फांसो मैंगो, हापुस मैंगो का नेचुरल जूस भी आप इसके अंदर डाल के गुजार सकते हो, आप देख सकते हो एकदम नेचुरल जूस बना के रखा है हमने इसमें, ये लिमिटेड मिनिमम क्वांटिटी हमने बना के रखा है आपको दिखाने के लिए दोस्तों, इसलिए नेचुरल मैंगो का भी आप स्नो निकाल के कस्टमर को दे सकते हो इसके अंदर। मौसम्बी का जूस, नेचुरल मौसम्बी का जूस निकाल के हमने रखा हुआ है, हमारे पास मशीन थी मौसम्बी की मशीन ऑटोमेटिक, उसमें से हमने इसका जूस निकाल के इसमें डाला हुआ है दोस्तों, तो आप मौसम्बी का जूस का भी स्नो निकाल सकते हो, इसलिए आपको एग्जाम मिले कि मौसम्बी एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, बनाना है, मिक्स फ्रूट है, सबका जूस बना के आप इसमें लगा के निकाल सकते हो। एक बाउल खावली है, इसके अंदर हम गन्ने का जूस डालेंगे, आपके सामने गन्ने में से जूस निकाल के इसके अंदर भरेंगे और मशीन में गुजारेंगे, एक खाली बॉक्स है, क्योंकि आपको गन्ने का जूस लाइव निकाल के भी हम इसके अंदर से लगा के दिखाना चाहते हैं दोस्तों। और इसके अंदर हमने भरा हुआ है बटर मिल्क, ये यहाँ पे अमूल कंपनी का बटर मिल्क आप देख सकते हैं, ये अमूल का बैग है, ये बटर मिल्क हमने इसमें डाला है। बटर मिल्क डालने का मतलब वही है कि इसके अंदर आप मिल्की प्रोडक्ट कोई भी डाल सकते हो, मिल्की प्रोडक्ट मतलब कोल्ड कॉफी निकालना है, मिल्क शेक निकालना है आपको, दूध कोल्ड ड्रिंक निकालना है, छाछ निकालना है दोस्तों, तो इस टाइप का ये मशीन के अंदर गुजार के आप मिल्की आइटम भी निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बचा हुआ जो प्रोडक्ट है गन्ना जूस मशीन, तो ये गन्ना जूस मशीन है, इसके अंदर हमारे पास गन्ने पड़े हुए हैं, इसके जूस निकाल के हमें इसके अंदर बाउल में गुजारेंगे दोस्तों, और आपके सामने बाउल में भर के मशीन में डालेंगे। मशीन स्टार्ट कर देते हैं यहां से, ये मशीन स्टार्ट हो चुका है, ये गन्ना लगा दिया आप देख सकते हैं, ये फ्रेश और क्लीन जूस निकलेगा इसके अंदर से आप देखिए एकदम, ये जूस निकाल के इसके अंदर हम मशीन में लगा के आपको दिखाएंगे, इसका स्नो बना के दिखाएंगे दोस्तों, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए दोस्तों, स्किप मत करिए वीडियो को, पूरी देखेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी इसकी दोस्तों। उसके बाद दूसरा गन्ना डालेंगे, यहाँ पे हैवी गन्ना है आप देख सकते हैं, ये बैटरी से चलने वाली शुगर केन मशीन है हमारी, प्रीमियम प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में से हम निकाल के आपको बता रहे हैं इसमें से आप देख सकते हैं, एकदम क्लीन हो गया, गला हुआ जूस निकलता है ग्रीन कलर का, आप देखिए इसका कलर भी देख सकते हैं पूरा, आप देख सकते हैं पूरा, और पीछे से इसका वेस्टेज निकल रहा है, इसका वेस्टेज भी मैं आपको बता दूं, गन्ना जूस का भी डेमो आ जाएगा आप देखिए पूरा, एकदम चूरा निकल रहा है इसमें से, आप देखिए पूरा इसका क्वालिटी देखिए, जरा भी जूस नहीं है, 1% भी जूस नहीं है इसके अंदर। ये गन्ना
बनाना का जूस भी हम भर रहे हैं, एक बाउल भर रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे जो कचरा डस्ट रहता है यहाँ पे आ जाता है इसके अंदर। ये हो गया है फुल अप, मशीन बंद कर देंगे हम यहाँ से। ये पूरा भर के तैयार हो चुका है, अभी हम इसके अंदर बाउल में फिलअप कर देंगे। जो हमने खाली बाउल यहाँ पे रखा हुआ है, जो गन्ने जूस का बाउल है यहाँ पे रखा हुआ है, हम निकालेंगे इसको और इसमें भर देंगे इसको। जो बचा हुआ जूस है वो भी निकाल लेते हैं। हो गया है कम्प्लीट। आप देखिए ऊपर कचरा आ गया है टोटली, इसका वेस्टेज कचरा जो डस्ट है वो सब आ चुका है और फ्रेश जूस अपने को मिला है यहाँ से, इसके अंदर डाल दिया। अभी ये गन्ना जूस भी हम इसमें अंदर से सप्लाई करेंगे, गुजारेंगे। प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों तो आपको लैंडिंग कितने का गिरेगा उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप सिंथेटिक मटेरियल बनाते हो, सिंथेटिक थे पाउडर से एसेंस से बनाया गया ऑरेंज का जूस है, इसके अंदर आप अलग अलग फ्लेवर बना सकते हैं। ऑरेंज है, लेमन है, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, मोर देन 40 फ्लेवर आता है। 70 रुपीज का एक पैकेट आता है, इसके अंदर आपको 5 किलो चीनी डालना है, 200 रुपए का चीनी और 70 रुपए का पैकेट। 270 रुपए के अंदर से आपको 200 ml के 250 ग्लास बनेंगे। एक ग्लास बनाने का खर्चा 1 रुपया 30 पैसे का लैंडिंग आएगा इसके। ये सिंथेटिक आइटम है, बाकी नेचुरल आइटम को आप कोई भी बनाते हो, जैसे मौसम्बी का जूस डालते हो तो उसका आपको कॉस्टिंग मालूम होता है कि कितने का एक ग्लास पड़ा है। नेचुरल मैंगो लगा रहे हो तो उसका आपको नेचुरल आइटम का मालूम है कि कितने का एक ग्लास अपने को पड़ता है। नींबू शिकंजी कितने का एक ग्लास पड़ता है आपको मालूम होता है, आप इस अपने हिसाब से नींबू लेके चाशनी लेके बना के चेक कर सकते हो कि एक ग्लास आपको कितने का पड़ा है। गन्ने का जूस आपको मालूम है कितने का आपको पड़ा है। बाकी सब चीज आपको खुद को आप मेक करेंगे तो आपको मालूम होगा कितना पड़ा है। मशीन के अंदर से सिंगल फ्लेवर की मशीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगल फ्लेवर की मशीन, इसकी डेली कैपेसिटी है 700 ग्लास की कैपेसिटी। अगर आप पूरा 700 ग्लास निकालते हो तो 7 से 8 यूनिट पावर खाती है। अगर आप क्वांटिटी कम निकालते हो, 200-300 ग्लास ही करते हो तो 4 से 5 यूनिट ही खाती है। जितना आप बिजनेस करेंगे उतना बिजली खाएगा। अगर मैक्सिमम 700 ग्लास पे आपको 7 से 8 यूनिट पावर खाएगा तो रोजाना 70 से 80 रुपए की मशीन पावर खाएगी। डबल फ्लेवर है, रोजाना आपकी 12 से 13 यूनिट की पावर खाएगी दोस्तों। इसकी कैपेसिटी है दोस्तों 1200 से 1400 ग्लास आप डेली निकाल सकते हो इसके अंदर से। अगर आप कम सेल करते हो, अगर 500 ग्लास ही सेल किया तो ये मशीन भी 5 से 7 यूनिट पावर खाएगी। जितना बिजनेस करेंगे उतना पावर खाएगी। तीन फ्लेवर की मशीन है, मैक्सिमम यूज 1800 से 2000 ग्लास की कैपेसिटी है मशीन की। मैक्सिमम यूज करने पे 18 से 20 यूनिट पावर खाएगी। क्वांटिटी कम सेल करेंगे, 700-800 ग्लास सेल करेंगे तो बिजली उतना 8 से 10 यूनिट पावर खाएगी। इसलिए बिजली आपको इसके अंदर से कोई भी प्रोडक्ट गुजरना है दोस्तों। अगर मैक्सिमम 2000 ग्लास निकालते हो तो 20 यूनिट का पावर रोजाना 200 रुपए का पावर खाएगी 2000 ग्लास पे। प्रोडक्ट आपने कोई भी डाला है, चाहे सिंथेटिक डाला है, चाहे नेचुरल डाला है, चाहे आपने मालास कंपनी का शरबत डाला है, कोई भी डाला है, वो आपको कॉस्टिंग अपने हिसाब से लेवल निकाल लेना है कि एक ग्लास आपको कॉस्टिंग कितने का गिरता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों टाइम गवाए बिना दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ऑरेंज जूस सिंथेटिक मशीन है, सिंथेटिक जूस ये डाल देते हैं। वो बाउल खोली कर ऊपर ये ऑरेंज का जूस हम ऑरेंज का सिंथेटिक जूस है वो डाल देंगे हम इसके अंदर, जिसको शरबत बोलते हैं। यहाँ पे पहले बाउल में इसमें वो डाल देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑरेंज का जूस हमने डाल दिया इसमें। उसके बाद हम नेक्स्ट में डालेंगे इसके अंदर से नींबू शिकंजी डालेंगे। ये वाला दूसरा बाउल है, डबल वाला मशीन है, उसमें नींबू शिकंजी डालेंगे। आप देख सकते हैं नेचुरल नींबू शिकंजी हमने बनाया हुआ है इसका। इसका रेसिपी चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है, रेसिपी देंगे हम आपको इसका। नींबू शिकंजी डाल दिया हमने इसके अंदर। उसके बाद उसका एक दूसरा बाउल है, उसके अंदर हम लगाएंगे गन्ना जूस, नेचुरल गन्ना, नेचुरल और फ्रेश गन्ना जूस डालेंगे इसमें। आप देख सकते हैं इसमें गन्ना जूस डालेंगे हम। ये नेचुरल गन्ना जूस डाल दिया हमने इसके अंदर। उसके बाद तीन बाउल का मशीन आता है राइस में, इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क है नेचुरल, वो डालेंगे इसके अंदर।
मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट आप इसके अंदर डाल सकते हो दोस्तों। एकदम लिक्विड बेस में डाला है हमने, आप देख सकते हैं पूरा, कोई भी आइस बेस नहीं है, ठंडा नहीं है, ओनली लिक्विड बेस है। इसका क्या प्रोसेसिंग बनाएगी मशीन वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर से फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा वो आप देखेंगे उसके अंदर से। ये अपना आ गया मौसम्बी का नेचुरल जूस। जब मौसम्बी का नेचुरल जूस डालेंगे इसमें से, उसके बाद आ गया फ्रेश मैंगो जूस, अल्फांसो केरी का जूस, गुजराती में बोलते हैं केरी नो रस, नेचुरल केरी का जूस डाल रहे हैं इसके अंदर हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे। केरी का जूस डाल दिया हमने, आप देख सकते हैं नेचुरल, इसलिए यहाँ पे चिपका हुआ है, पूरा खाली नहीं हुआ है मैंगो का। टोटली प्रोडक्ट्स डाल दिए हमने, अभी वन बाय वन मशीन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मशीन का स्विच दिया गया है, मशीन का स्विच स्ट्रेट करेंगे। ये मशीन स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं अभी इसका बीटर घूमना चालू हो जाएगा, देखिए स्टार्ट हो चुका है। उसके सामने अभी दूसरा मशीन भी स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, ये दूसरा मशीन है, दूसरा का डिस्प्ले चालू हो चुका है यहाँ पे। ये डिस्प्ले सेटिंग के लिए डिस्प्ले भी दिया गया है कि आपको सॉफ्टनेस हार्डनेस करना है स्नो का, तो आप अप डाउन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं चालू हो गया है, ये भी घूम रहा है, शुगर केन भी घूम रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और आ गया अपना तीसरा यूनिट आ गया, बटर मिल्क मौसम्बी और नेचुरल मैंगो। ये मशीन स्टार्ट हो चुका है, अभी तीनों का तीन स्टार्ट एक ही साथ हो जाएगा। अगर आपको कोई बंद रखना है तो उसको यहाँ पे बटन दिया गया है मोडिफाइली के, इसको बंद रखना है तो आप यहाँ पे बटन दबा के इसको बंद रख सकते हो, आप देखिए ये बंद हो चुका है। अभी हमको चालू रखना है इसलिए हम इसको स्टार्ट रखेंगे, ये स्टार्ट है। टेम्परेचर आपको अप डाउन करना है इसको, हार्डनेस सॉफ्टनेस बढ़ाना है। अभी ये पांच नंबर पे है, देखा इसे पांच लो, फाइव नंबर पे दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको सिक्स नंबर, सेवन नंबर, एट नंबर, नाइन नंबर तक जाएगा, नाइन नंबर तक करेंगे इसको तो हार्डनेस इसका और ज्यादा होगा। अगर इसको डाउन करेंगे आप जैसे फोर नंबर, थ्री नंबर, टू नंबर, तो लिक्विड बेस जाएगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाएगा उतना हार्डनेस बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर डाउन करेंगे उतना हार्डनेस कम होगा, सॉफ्टनेस रहेगा। अभी ये मशीन हमने स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे इसका लाइटिंग सिस्टम भी है, आपको लाइट चालू करना है नाइट को, लाइट एट्रैक्शन के लिए, तो आप बटन दबा के लाइट भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये लाइट स्टार्ट कर रहे हैं इसका, एक मिनट यहाँ पे हमारा लाइट है वो बंद करेंगे पहले, तभी आपको मालूम होगा कि इसका लाइटिंग एट्रैक्शन कैसा दिख रहा है। अभी देखिए यहाँ पे हम इसका लाइट स्टार्ट करेंगे, आप देखिए लाइट चालू हो गई है इसका। अभी ये दूसरा लाइट चालू करेंगे, इसका लाइट चालू हो चुका है। अभी तीसरा लाइट करेंगे, लाइट चालू हो चुका है, वही हिसाब से मशीन का भी लाइट करना है। अब देखिए लाइट चालू हो चुका है, इसका भी लाइट चालू करना है, लाइट चालू हो चुका है। देखिए नाइट के लिए, एट्रैक्शन के लिए भी आप इसको लाइटिंग सिस्टम चालू कर सकते हो। एक बार मटेरियल डालने के बाद फर्स्ट टाइम आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लेता है स्नो को रेडी करने के लिए। 15-20 मिनट में एक बार स्नो रेडी हो चुका, ऊपर से आप डालते रहे, निकालते रहे, डालते रहे, निकालते रहिए, फिर वेट करना नहीं आपको। इसलिए 15 से 20 मिनट के बाद हम फिर से आपके सामने लौट रहे हैं स्नो बना के, ग्लास भर के दिखा के, उसका टेस्ट चेक करके कैसा क्वालिटी है, कैसा टेस्ट है, और स्नो का क्वालिटी कैसा स्मूथ बना है वो हम आपको पूरा वीडियो के अंदर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी प्रोडक्ट्स 15 से 20 मिनट के बाद तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं सब फ्लेवर तैयार हो चुके हैं, यहाँ तक फील हो रहा है, आप देखिए पूरा स्नो सब में बन चुका है। थोड़ा नज़दीक से सब फ्लेवर बताइए। ये ऑरेंज का सिंथेटिक जूस डाला हुआ है, आप देखिए पूरा स्नो बन रहा है यहाँ से, आप देखिए पूरा साइड में से दिखाइए, ये पूरा धक्का मार के इसको ऊपर तक छोड़ रहा है, पूरा स्नो बन चुका है। उसकी जगह है नींबू चिकन जी है, क्लिक आप देने चौकू क्लियर देखा है, ये नींबू चिकन जी है, जो दाने रहते हैं वो भी आ रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद ये शुगर केन का जूस है, इसका भी स्नो बन चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये बटर मिल्क है, हमने आपको जो बटर मिल्क बोला था, इसका भी स्नो आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरा ये बटर मिल्क है। उसके बाद ये नेचुरल फ्रेश ऑरेंज मौसम्बी का जूस है, मौसम्बी का, इसका भी स्नो बन चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और लास्ट में हमने नेचुरल अल्फांसो मैंगो का जूस डाला हुआ है, ये भी स्नो बन के तैयार हुआ है। अभी हम इसके अंदर से आपको ग्लास भर के दिखाएंगे कि कैसे ग्लास भरा जाता है इसके अंदर से। सबसे पहले इसका आप जूम करके बताइए हमारे व्यूअर्स को थोड़ा,
ये आप देख सकते हैं इसका जूस भर रहा है, इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्नो निकला इसमें से, आप देख सकते हैं पूरा एकदम सॉफ्ट आ रहा है इसका स्नो, देखिए दोस्तों क्वालिटी, ये गोला रहता है वो अलग चीज रहता है, स्नो रहता है अलग चीज रहता है पूरा, देखिए ये आप देख सकते हैं पूरा एकदम सॉफ्ट है, इसको मुंह में डालेंगे पिघल जाएगा पूरा, ये दांत में लगेगा नहीं आपको स्नो, एकदम सॉफ्ट है। इसका हम ढक्कन लगा देंगे, यहाँ पे कैपिंग रहता है, कैपिंग लगा देंगे, इसका कैप लग जाएगा ऐसे कैप, और उसके ऊपर आपको इस टाइप का पेपर स्ट्रॉ दे देना है कस्टमर को, ये स्ट्रॉ बना के दे देना है आपको। एक गिलास बनाने का खर्चा आपको ₹3 का रॉ मटेरियल है इसके अंदर, 350 ml, 350 ml का कप है, इसलिए ₹3 का मटेरियल है और ₹1.50 का ग्लास है, ₹4.50 में ग्लास बना है, ₹20 में कम से कम बाजार में सेल होता है। उसके बाद नींबू शिकंजी को हम भरेंगे, आप देख सकते हैं बेहतरीन क्वालिटी का नींबू शिकंजी निकला, आप देख सकते हैं, आप देखिए पूरा इसका क्वालिटी देखिए, एकदम सॉफ्ट है ये, आप देख सकते हैं मुंह में डालेंगे इसलिए सीधा पिघल जाएगा ये चीज। इसको भी हमें कप में डाल देंगे, यहाँ पे ऐसे कप फिल कर देंगे, इसको पैक कर देंगे कप को, और ऊपर से इसका स्ट्रॉ लगा देंगे इसको, ये हो गया है कंप्लीट अपना। उसके बाद शुगर केन का नेचुरल जूस है, ये शुगर केन गन्ना जूस का नेचुरल दिया गया इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा, इसमें हमने क्वांटिटी कम डाला इसलिए स्लो स्पीड से निकल रहा है, क्योंकि मटेरियल इसके अंदर कम है इसलिए स्लो स्पीड निकल रहा है इसमें से, आप देख सकते हैं बेहतरीन क्वालिटी का शुगर केन का नेचुरल स्नो। इस टाइप का कॉन्सेप्ट एकदम नया है बाजार में, शुगर केन का जूस तो सब बेच रहे हैं दोस्तों, लेकिन शुगर केन का स्नो कोई नहीं बेच रहा है बाजार में दोस्तों, आप देख सकते हैं बेहतरीन क्वालिटी का स्नो निकल रहा है इसमें से, अब देखिए पूरा इसका क्वालिटी देखिए, एकदम सॉफ्ट है, एकदम स्मूथ है। अगर आप लाइव आते तो हम आपको लाइव भी इसको टेस्ट कराते दोस्तों, जब देख सकते हैं पूरा, इसको भी हम कप लगा देंगे ऊपर, इसका कप लगा देंगे और इसको भी स्ट्रॉ लगा देंगे इसमें। उसके बाद बटर मिल्क, जो हमने आपको बताया वो बटर मिल्क, आप देख सकते हैं पूरा बेहतरीन क्वालिटी का बटर मिल्क, आप इसमें दूध कोल्डिंग है, मिल्क शेक है, थिक शेक है, कुछ भी लगा सकते हो इसमें आप, बेस्ट क्वालिटी का निकला है, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट और क्रीमी है। इसको हम इसका भी ढक्कन लगा देंगे इसमें, ढक्कन लग चुका है, उसके बाद इसका स्ट्रॉ लगा देंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट में आएगा मौसम्बी का नेचुरल जूस, ये मौसम्बी है नेचुरल, ये नेचुरल मौसम्बी है, बहुत ही बेहतर निकला है, आप देख सकते हैं पूरा क्वालिटी इसका एकदम स्मूथ है, देखिए देखिए पूरा दूसरा इसका क्वालिटी देखिए पूरा इसका, इसको भी इसका ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर, स्ट्रॉ लगा देंगे इसके ऊपर इसका, उसके बाद नेचुरल मैंगो आएगा लाइन में, ये नेचुरल मैंगो है, अब देखिए बहुत ही बेस्ट निकला इसके अंदर से, ये भी स्नो बना हुआ है दोस्तों, इसका भी स्नो है, आप देख सकते हैं पूरा, ये देखिए पूरा स्नो बना हुआ है इसका, ये आप अपने शहर में इस टाइप का ड्रिंक देंगे लोगों को, मार्केट में आपके आसपास में इस टाइप का ड्रिंक कहीं पे भी बाजार में अवेलेबल नहीं होगा, तो लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगा लोगों का, कुछ आप नया दे रहे हैं उनको, कुछ अलग दे रहे हैं, कुछ हटके दे रहे हैं बाजार में। इसका हम स्ट्रॉ लगा देंगे,
ये अपना सबका सब ड्रिंक तैयार हो चुका है, जितना हमने बनाया था आपके लिए स्पेशल डेमो के लिए हमने टोटली ड्रिंक बनाया हुआ है, टोटली ड्रिंक तैयार है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सब मशीन के अंदर से हमने बाईपास होके निकाल के आपको बताया हुआ है सब चीज इसके अंदर से, और आपको इसका रेट भी बताया है कि एक गिलास आपको कितने का पड़ेगा। नेचुरल आइटम है वो तो आप खुद काउंट कर सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी ज्वाइंट कर देना है आपको, हमने जो पावर का इलेक्ट्रिक कंजप्शन बताया वो आपको ज्वाइंट कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के बेहतरीन क्वालिटी की मशीन की प्राइसिंग डिटेल्स, डिलीवरी कब कैसे मिलती है मशीन, फ्लेवर कहाँ से लेना है, क्या चीज़ें, हर एक जानकारी के लिए नीचे वीडियो में हमने नंबर दिया है, वहाँ पे आप प्राइसिंग ले सकते हो, मशीन में डिस्काउंट क्या चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, वहाँ पे आप फोन करके हर एक डिटेल जानकारी पूछ सकते हो दोस्तों। मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारी सेल्स टीम एक्टिव रहती है आपको रिप्लाई देने के लिए। इस तरह के बेहतरीन क्वालिटी की मशीनों की ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट जरूर करें दोस्तों एक बार। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।